लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को लेकर झामुमो विधायक दल की बैठक शुक्रवार को सीएम आवास में हुई। सुबह 11 बजे से शुरू हुई यह बैठक करीब 5 घंटे तक चली। बैठक में पार्टी ने चुनाव के मद्देनजर रणनीतियों पर चर्चा की। इस दौरान विधायकों को कार्य सौंपे गए। इसमें तय किया गया कि 21 अप्रैल को रांची के प्रभात तारा मैदान में महारैली का आयोजन किया जाएगा। बैठक के बाद मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार के तानाशाही रवैये को जनता समझ रही है। आज संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम लोग का सर्वश्रेष्ठ संविधान बचा रहे, यही हमारा मुद्दा है। अभी के माहौल में जो बैठक होगी उस पर क्या होगा ये तो कहना बहुत, आप सभी जान रहे हैं कि हम लोकसभा का चुनाव अभी सर पे है और लोकसभा चुनाव आज जो हमारे देश की स्थिति बन रही है, कैसे सारे जो जहां भाजपा के विरोधी दल हैं उनको समाप्त करने की एक साजिश चल रही है, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है, संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो आज ज़रूरत है हमारे इस राज्य से 14 की 14 सीटें जीतकर हम इंडिया गठबंधन को हम मजबूत करें ताकि वैसी ताकतों को हम सत्ता से हटा सके कि जो हमारे इतने पुराने, जो हमारा दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र है, सर्वश्रेष्ठ संविधान है, इसको हम बचा सकें। ये हमारा पहला मुद्दा रहा आज की बैठक का और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि 14 की 14 लोकसभा सीटें हम झारखंड की जीतकर और इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। निश्चित रूप से जब चुनाव है तो रैली भी होगी और बहुत सारे कार्यक्रम होंगे चुनाव से संबंधित, तो ये सारा चीज आपको समय पर। एक और सवाल है कि बाकी सीटों पे प्रत्याशी कब तक डिक्लेयर हो जाएगा? आप परेशान ना हो, हम देर आए दुरुस्त आए की रणनीति पर काम करते हैं, हमें कोई हड़बड़ाहट नहीं रहती है और हमारे पास बहुत सारे योग्य उम्मीदवार हैं सभी लोकसभा क्षेत्रों में, तो हमें उनमें से सभी की राय लेकर, सभी के विचार जानकर, हमारे यहाँ पार्टी में लोकतंत्र है, हमारे यहाँ व्यक्तिवाद नहीं है, इसलिए हम सभी कुछ मिल बैठ कर तय करते हैं और समय पर सभी कुछ तय होगा। प्रत्याशियों के नाम की जानकारी भी है। एक आखिरी सवाल, दीपक प्रकाश ने ट्वीट किया है दादा और कह रहे हैं कि जो पूर्व सलाहकार हैं अभिषेक प्रसाद पिंटू, उनको कह रहे हैं कि वो सरकारी जवाब दे। देखिए वो न्यायालय के जो मामले विचाराधीन है उस पर भी ये लोग टिप्पणी करते रहते हैं, वैसी बातों को हम किसी तरह की कोई तरजीह नहीं देते हैं। ये कहेंगे तो एक तरह से न्यायालय की अवमानना होगी। जो मामला सब जुडिस है उसको मामले को न्यायालय में ही रहने दीजिए और न्यायालय पर हमें पूरा भरोसा है और देखेंगे कि समय पर हमें न्याय मिलेगा। 400 से नीचे बात ही नहीं कर रहा है मिथिलेश जी, किस बात का 400 से नीचे बात ही नहीं कर रहा है। वो समय पर जनता बता देगी कि किस बात का 400, ये समय पर जनता उन्हें बता देगी और 400 किस चीज का ये भी जनता को पूछना चाहिए कि अगली बार क्या पेट्रोल डीजल 400 होने जा रहा है, ये भी पूछना चाहिए जनता को। और किस बात का कि किसानों पर गोलियां चलवाने का, बेरोजगारों को उनके हाल पर छोड़ने का, किस बात का 400, मजदूरों को बेहाल करने का, हर क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ इस देश को बांटने, जाति धर्म में हिंदू मुसलमान में बांटने के अलावा कोई काम 10 वर्षों में नहीं किया है और जनता उन्हें सबक सिखाएगी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।